नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री ने साफ साफ बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया है। जी हां, उन्होंने एक बड़े नेता का नाम तक ले लिया और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसी नेता की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबर है क्या। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस टाइम के बीजेपी के नेता, जी हां, नारायण राणे ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के जो इस टाइम के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे उस रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद थे, जिस रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये बड़ी घटना हुई। जी हां, उनका बयान आया है और वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आदित्य ठाकरे से लड़ाइयां भी चल रही थी और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और उन्होंने ये बात किसी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल या फिर किसी छोटे टीवी चैनल पर नहीं कहा है, बल्कि खुद रिपब्लिक भारत जैसे बड़े चैनल पर आकर के कहा है। और उनका मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का हाथ है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि वो बड़ा नेता कौन है, और साथ ही साथ आप हमें बताना कि क्या आपको भी यही लगता है कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का ही इस केस में हाथ है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई भी लगातार अब इसी एंगल से जांच करने वाली है, और साथ ही जब नारायण राणे ने इतना बड़ा बयान दिया है तो जरूर वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने ऐसे ही ये बयान नहीं दिया होगा और उनको इस केस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है ऐसा लगता है। सीबीआई अब बहुत जल्द नारायण राणे को बुला करके इस केस में इसी एंगल से पूछताछ करने वाली है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें कि वहीं रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, जहां अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीवी के चैनल्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना छोड़ दिया, क्योंकि उनका सुशांत सिंह राजपूत से काम निकल चुका है। तो वहीं अर्णब गोस्वामी लगातार अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़े और उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो सुशांत की बातें करना बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं हर किसी के चेहरे से नकाब हटा करके रहूंगा और जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घटना को अंजाम दिया उसका चेहरा सामने आकर के ही रहेगा। दोस्तों अगर आप भी अर्णब गोस्वामी की इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों बता दें कि नारायण राणे ने अब जब अपना बयान दे दिया है तो आने वाले दिनों में सीबीआई उन तमाम नेताओं से जांच करेगी जिससे सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई हो रही थी, और साथ ही सीबीआई ये भी पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने लड़ाई क्यों की और लड़ाई करने के बाद क्या रियल में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और साथ ही तमाम लोगों का नाम सामने आया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिनकी दुश्मनी चल रही थी। इतना ही नहीं, इस केस में काफी सारे बड़े एक्टर्स इस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया गया है और कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने नेपोटिज्म किया है और साथ ही उन्होंने काफी सारी फिल्में सुशांत सिंह राजपूत से छीन ली थी। इसी वजह से अब तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अब महाराष्ट्र की सरकार ने बयान दिया और महाराष्ट्र की सरकार ने इस केस में दखलअंदाजी की है, इस वजह से महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर लगातार शुरू से ही इस केस में उंगलियां उठती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब सीबीआई को महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी और सीबीआई की जांच में किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सरकार दखलअंदाजी नहीं दे पाएगी, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत के गुनाहगार आपके सामने खड़े होंगे और उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के गुनाहगार आपके सामने आ जाए तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।